हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं रश्मिता, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल मिसेस। अभी पत्ता गोभी को मैं अच्छे से धो लिया हूँ। अभी गैस ऑन करके कढ़ाई में पानी बैठा दिया। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे पत्ता गोभी का पत्ता निकल लिया हूँ। देखिए, अब इसे निकल लेंगे। पत्ता गोभी का पत्ता इसे निकल लेना है, तो मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। आज बना रही हूँ पत्ता गोभी का नया रेसिपी, जो पहले कभी आप बनाए नहीं, तो एक बार बनाने से बार बार खाने को आपको मन करेगा। सबसे पहले मैं पत्ता गोभी हाफ काट लिया हूँ, तो उसका ऊपर वाला पत्ता निकल लेना है। ऐसे करके पत्ता गोभी के ऊपर का पत्ता निकल लेना है। तो मैं ऐसा करके पत्ता गोभी के ऊपर वाला पत्ता निकाल लेती हूँ। अभी पानी उबल रही है, तो पत्ता गोभी को पत्ता को बॉईल करना है। अभी गर्म पानी में पत्ता गोभी और पत्ता को मैं दे दिया और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड, 10 मिनट हो गया है, पत्ता गोभी बॉयल हो गया, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ऐसे करके मैं पूरा पत्ता गोभी को निकाल लिया। देखिए फ्रेंड्स, मैं पत्ता गोभी को निकाल लिया। अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, मैं उसमें थोड़ा सा तेल दे दिया। अभी इसमें दे रही हूँ कटा हुआ प्याज। प्याज को भूंज लेना है ऐसे से। आप ऐसे पत्ता गोभी का नया रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं प्याज को अच्छे से भूंज लिया हूँ। अब इसमें दे रही हूँ कटा हुआ लहसुन। लहसुन को बारी बारी करके काट लिया। प्याज को थोड़ा अच्छे से भूंजना है। अब दे रही हूँ अदरक का पेस्ट।
अभी इसमें दे रही हूँ कटा हुआ हरी मिर्ची, मसाला को अच्छे से भूंज लेती हूँ। अब दे रही हूँ बारीक कटा हुआ टमाटर, अभी इसमें दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला और मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो मसाला अच्छे से मैं भूंज लिया, अभी इसमें दे रही हूँ मैं 2 मीडियम साइज आलू लेके बॉईल करके मैश कर लिया हूँ। आप पत्ता गोभी के हिसाब से आलू ले सकते हैं। अभी इसमें दे रही हूँ बॉईल हुआ मटर, अभी इसमें दे रही हूँ कटा हुआ धनिया पत्ता, और मसाला को 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेती हूँ। तो फ्रेंड 5 मिनट हो गया है, मसाला अच्छे से पक गया, तो मैं गैस बंद कर लेती हूँ। अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी मसाला ठंडा हो गया है, तो पत्ता गोभी का पकौड़ा बनाना है। अभी मैं पत्ता गोभी को ऐसे ले लिया, उसके अंदर दे रही हूँ मसाला, पत्ता गोभी को मैं इसे मोड़ लेती हूँ। दोनों साइड ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे करके पत्ता को भी क्या कि रोल बना लेना है। दूसरा पत्ता को भी को मैं ऐसे बना लेती हूँ। इसको भी सेम टाइप का करना है। ऐसे करके मैं पूरा पत्ता गोभी को बना लिया लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं पत्ता गोभी को ऐसे मसाला अंदर भर के ऐसे रोल बना लिया। अभी गैस ऑन करके कढ़ाई बैठा दिया।
इसमें दे रही हूँ तेल, मैं सरसों तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अभी मैं एक बाउल में बेसन ले लिया, उसमें दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। आप पत्ता गोभी के हिसाब से बेसन ले सकते हैं। उसमें दे रही हूँ पानी, तो बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी बेसन का मैं बैटर बना लिया। अभी बना हुआ पत्ता गोभी का रोल को मैं छोटा छोटा करके काट लेना है। देखिए ऐसे चाकू से छोटा छोटा करके काटना है। देखिए मैं पत्ता गोभी को ऐसे पीस पीस करके काट लिया, आप ऐसे काट सकते हैं। अभी तेल गरम हो गया है, इसको ऐसे हाथ से उठाना है और बेसन से डुबाना है। ऐसे करके पकौड़ा बनाना है। अभी पत्ता गोभी का पकौड़ा बन गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ऐसे करके मैं दूसरा पत्ता को भी ऐसे छान लेती हूँ।
ऐसा करके पूरा पत्ता गोभी को ऐसे छान लेती हूँ। इसको भी दूसरा साइड पलट देना है। देखिए फ्रेंड, पत्ता गोभी का पकौड़ा बनके तैयार है। कितना अच्छा से पकौड़ा बना है। अभी मैं उसका ग्रेवी बनाऊंगी। आप ऐसे खाली भी खा सकते हैं पकौड़ा, नहीं तो ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। अगर आपको घर में कोई गेस्ट आ रही है, कोई फ्रेंड आ रही है। अभी पकौड़ा पूरा छान लिया हूँ और ग्रेवी बनाने के लिए मैं लिया हूँ अदरक और टमाटो। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसलिए कम मसाला दे रही हूँ। आपको यदि ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप प्याज लहसुन दे के बना सकते हैं। तो अभी मैं पीस लेती हूँ। अभी मैं और तेल नहीं दूँगी, उसी तेल में बना रही हूँ। तो दे रही हूँ गोटा जीरा, अदरक, टमाटर सॉस, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, और दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। और 5 मिनट के लिए मसाला को अच्छे से पका लेती हूँ। अभी 5 मिनट हो गया, मसाला अच्छे से पक गया है। इसमें दे रही हूँ पानी। अभी ग्रेवी बनकर तैयार है। मैं उसके अंदर दे दिया पकौड़ा। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रही है पत्ता गोभी की सब्जी का रेसिपी। आप ऐसे घर पर जरूर बनाइए पत्ता गोभी का सब्जी। अगर आप पत्ता गोभी खा खा के बोर हो जाती है तो इसे बनाइए जरूर। अभी मैं ग्रेवी को निकाल लेती हूँ।
देखिए कितना अच्छा ग्रेवी दिख रही है। मैं थोड़ा ग्रेवी में पकाया और थोड़ा स्नैक्स खाने के लिए रखा हूँ। देखिए आप ऐसे घर पर ज़रूर बनाइए और खा के कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए कितना अच्छा दिख रही है पत्ता गोभी की सब्जी का रेसिपी। आप ऐसे घर पर जरूर बनाइए पत्ता गोभी का सब्जी। अगर आप पत्ता गोभी खा खा के बोर हो जाती है तो ऐसे बनाइए जरूर।